हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एमसीसी कब नीट 2023 काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी करेगा, तो अब वो शेड्यूल जो है वो आपके सामने है। इस शेड्यूल में बाकायदा आपके फर्स्ट, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड तक का पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इस शेड्यूल के अनुसार आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे फर्स्ट राउंड, और आपका जो चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग है वो आपकी 17 से 23 के बीच में होगी। इसमें कुछ इस शेड्यूल के हिसाब से कुछ नई बातें भी सामने आई हैं, वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पर जो है आपका ये जो खत्म हो जाएगा फर्स्ट राउंड, वो आपका खत्म हो जाएगा 5 अगस्त तक। इसके बाद सेकेंड राउंड की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट होगी, और इसी तरीके से आपका सेकेंड राउंड की भी सारी चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी जाकर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, देखने में एकदम एमसीसी जैसा लग रहा है। सारी चीज़ें बकायदा बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं। हो सकता है ये एमसीसी का ऑफिशियल हो, लेकिन जब इसको डाउनलोड करके आप देखेंगे तो ऊपर ही आपको एक नोटिफिकेशन इसमें दिख जाएगा जिस पर लिखा हुआ है ये टेंटेटिव शेड्यूल है। तो ये सही भी हो सकता है, लेकिन इस पर थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं, जो मैंने पकड़ी हैं, वो दो चीज़ें बहुत शक वाली हैं, जिससे शक हो रहा है कि ये फेक भी हो सकता है। क्या कि जो अभी रूल यहाँ एमसीसी के द्वारा नहीं लागू किए गए, जो बताए नहीं गए हैं, वो भी इसमें जिक्र की गई है। क्या सबसे पहले तो आप देखिए, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ना तो कभी रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं अभी तक, लास्ट ईयर तक ये रूल था, और ना ही यहाँ पर आपका ये चॉइस फिलिंग की कोई चीज़ होती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें ये अच्छे तरीके से बकायदा 3-3 दिन का टाइम इसमें दिया गया है, तो एक शक तो यहाँ पर ये हो जाता है। दूसरा एक और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि देखिए, अभी तक जो यहाँ पर काउंसलिंग होती थी उसमें बस एक चीज़ आपकी होती थी, और वो थी केवल चॉइस फिलिंग। चॉइस लॉकिंग के लिए अलग से कोई भी चीज़ नहीं दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर चॉइस लॉकिंग पहले कभी होती थी, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें चॉइस फिलिंग तो आप करो, लॉक करने के लिए खुद ब खुद वहाँ पर सिस्टम था, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दो, वरना खुद भी हो जाता था, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पर इस पर शक जाता है कि ये हो सकता है कि फेक नोटिफिकेशन, अभी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा वो है, सब लोग सर्च कर रहे हैं तो ये बना दिया गया हो, लेकिन ये सच भी हो सकता है, क्योंकि हूबहू सारी चीज़ें वही हैं, डेट भी उसी तरीके से सब चीज़ें सामने इसमें दे रखी हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये जो नोटिफिकेशन है आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वजह से थोड़ी सी और इस पर शक जाता है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, और ये सच है या नहीं है 2 दिन के अंदर सामने आ जाएगा। एमसीसी पर अभी ऑफिशियल जो वेबसाइट है एमसीसी की वो अपडेट हो चुकी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी मेरे पास आती है मैं तुरंत आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग चिंता ना करें। और अगर आप कम फीस में एक ऑथेंटिक सोर्स खोज रहे हैं जो आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से करा दे, फीस भी आपकी कम लगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के लिए। अभी हमारे जो MBBS BDS के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे, लेकिन अब वो हमने वापस से स्टार्ट कर दिए हैं नोटिफिकेशन को देखकर, तो अब आप MBBS BDS की काउंसलिंग के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आयुष कोर्सेज की ऑलरेडी काउंसलिंग हमारी चल रही है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के लिए हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो। अगर आपके मार्क्स कम हैं, आप इस साल तैयारी भी करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि अच्छा आयुष कॉलेज आपको मिल जाए आपके मार्क्स पर, और आपको फीस भी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ना देनी पड़े, तो आप हमसे संपर्क करिए। ये मेरा है व्हाट्सअप नंबर, इस पर बस पेड काउंसलिंग लिखकर आप जो है मैसेज कर दीजिए, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मेरे पास आती है, मैं तुरंत वीडियो में बनाकर आपके सामने पेश करूँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।